नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। शासन ने एडीजी ए सतीश गणेश को मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का एडीजी बनाया है और अभी तक आईपीएस रवि जोसेफ और लेकू के पास पीटीएस का एडमिशन चार्ज था। रवि जोसेफ के एडमिशन चार्ज में अब मुक्त कर दिया गया है और ए सतीश गणेश वाराणसी के ही पहले पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और इसके अलावा शासन ने आईपीएस अधिकारी एसके भगत को एडीजी और जीआरपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। मुरादाबाद पीटीएस पहले मुरादाबाद में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के अधीन काम करता था, लेकिन जून 1986 में इस संस्था का बजट अलग से ही स्वीकृत होने लगा और इसके साथ ही इस संस्था से पुलिस परीक्षण महाविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी का नियंत्रण खत्म हो गया। अब पुलिस परीक्षण विद्यालय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पुलिस परीक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन कार्य करता है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। बता दें आपको कि मुरादाबाद में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के अधीन ही काम करता था और लेकिन जून 1986 में इस संस्था का बजट जो है अलग से ही स्वीकृत हुआ होने लगा, जिसके साथ ही इस संस्था से पुलिस परीक्षण महाविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी का नियंत्रण खत्म हो गया और अब पुलिस परीक्षण विद्यालय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पुलिस परीक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन कार्य करता है। तो आपको जानकारी दे दें, मुरादाबाद पीटीएस पहले मुरादाबाद में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के अधीन ही काम करता था और उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों का जो है तबादला हो गया है और जिसके बाद आपको जानकारी दे दें कि शासन ने एडीजी ए सतीश गणेश को मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का एडीजी बनाया है और अभी तक आईपीएस रवि जोसेफ लेकू के पास पीटीएस का एडमिशन चार्ज था और रवि जोसेफ के एडमिशन चार्ज से ही अब मुक्त कर दिया गया है। ये सतीश गणेश वाराणसी के ही पहले पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और इसके अलावा शासन ने आईपीएस अधिकारी एसके भगत को ही एडीजी जीआरपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल खड़ी लैंड क्रूजर गाड़ी में ही क्रेटा कार ने जोरदार टक्कर मार दी और घटना में लैंड क्रूजर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चले कि मौके पर पहुंची पुलिस ने ही एम्बुलेंस की मदद से सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और ये भी आपको जानकारी दे दें कि परिवार गोरखपुर से अपने घर जयपुर जा रहा था। तो फिरोजाबाद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गाड़ी है कोई? हम गोरखपुर से राजस्थान जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एम्बुलेंस में कौन था? हम था। क्या कोई बीमार भी था? कोई बीमार नहीं, हम कोई पार्टी में गया था। एम्बुलेंस लेके? एम्बुलेंस वो ये क्रूजर था। अच्छा, फोर्स क्रूजर आती नहीं? हाँ हाँ, फोर्स की नहीं, वो छोटी वाली गाड़ी। तो फिर कितने लोग थे उस गाड़ी में? आप लोग कितने लोग थे? टोटली 11 सवार। अच्छा, 11 लोग थे। तो क्या घटना क्या हुई? आप लोग साइड में खड़ा हो गए थे क्या? घटना क्या हुई थी वहाँ? घटना क्या, हमारा गाड़ी खड़ा था जी साइड में, पेशाब करने के लिए खड़ा है, पीछे से आके बोलेरो वाला हमारा गाड़ी में मार दिया। 4 लाख का डेट हो गया। आपके 4 लोग? और वहीं फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी किशन चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, पूरा मामला क्या था? हादसे में, सड़क हादसे में ही चार लोगों की मौत हो गई है, कैसे ये सड़क हादसा हुआ, विस्तार से बताइए। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र की घटना है जिसमें बहुत ही दुखद घटना है और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और करीब 9 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल जो लैंड क्रूजर गाड़ी थी वो उसका हाईवे पर खड़ी हुई थी, इसी दौरान एक गाड़ी ने आकर पीछे से इसमें टक्कर मार दी जिसमें जो एक ही परिवार के लोग थे जो गोरखपुर से जयपुर जा रहे थे उन्हीं लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी जी, जिस तरह किसन पहले खबर आई थी कि इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और अब इसमें खबर सामने आ रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, तो अभी कितने घायल बताए जा रहे हैं, उनकी हालत स्थिति किस तरह से है?
जी मैं बताना चाहूंगा कि जो गंभीर घायलों को वहां पर जो मौके पर चार लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कि एक गंभीर रूप से घायल था, तो उसको हॉस्पिटल लाते लाते उसकी मौत हो गई थी। इसमें जिलाधिकारी रवि रंजन द्वारा पुष्टि की गई है कि इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। जी जी किशन, ये बताया ये भी जा रहा था कि ये परिवार के सदस्य हैं, ये पूरा परिवार था जिनमें मृतक बताए जा रहे हैं, और इसके साथ ही ये गाड़ी कहां से कहां जा रही थी, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। ये मैं बताना चाहूंगा, ये एक ही परिवार के लोग हैं जो कि गोरखपुर से जो जयपुर जा रहे थे, और ये इनकी गाड़ी में कुछ कोई प्रॉब्लम या इनको किसी वजह से गाड़ी जो है एक्सप्रेस वे पर खड़ी हुई थी, इसी दौरान एक दूसरी गाड़ी ने आके पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ये घटना दुखद घटना हुई है। और इसको लेकर प्रशासन हालांकि मौके पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और सभी जो मृतक थे और उनको मोर्चरी ग्रह भिजवाया गया है, और वहीं जो गंभीर घायल थे उनको तत्काल जो नजदीकी अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है। और जैसा कि जिलाधिकारी रवि रंजन द्वारा कहना है कि इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और इसमें 9 लोग जो घायल हुए हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनका की अभी भी उपचार चल रहा है। जी जी किशन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो फिरोजाबाद से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर सड़क हादसे में अब अपडेट सामने आई है, 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्राइवेट वाहनों में अब फर्जी स्टिकर और हुटर लगाने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल SSP दिलीप सिंह कुंवर के मुताबिक आजकल शहर में कई प्राइवेट वाहनों में ही हुटर और कई तरह के स्टिकर और काली फिल्म चढ़े हुए शीशे लगाए गए हैं, और जिसका एक अनुचित बताया जा रहा है कि तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और ऐसे में हर उन चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है, सख्त से सख्त सजा भी दी जा रही है। मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने होटल लगाया हुआ है अनोखा ढंग से, वो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके सर गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है। अगर आप पाक साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, किसी से कोई ढकने की जरूरत, इन वाहनों के इस्तेमाल गलत काम के लिए होता है। तो इन दोनों प्रकार के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है, कार्रवाई की जा रही है, और इन गाड़ियों को अगर कोई मिसा तो सीधे सीधे बहुत प्रभावी कार्रवाई करके मैंने कहा। और इस पूरी खबर पर देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से मामला सामने आया, फर्जी स्टिकर और वाहनों पर जो लगाए जाते हैं उसको लेकर अब सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि लगातार हमें सड़कों पर फर्जी स्टिकर वाहन लगाए हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी निजी वाहन होते हैं उनमें फर्जी तरीके से जो स्टिकर लगाए जाते हैं, हुटर्स लगाए जाते हैं, और शीशों पे जो काले रंग के शीशे बनाए जाते हैं, उसको लेकर अब उत्तराखंड पुलिस कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। और खास तौर से राजधानी देहरादून में सबसे पहले इन वाहनों को चिन्हीकरण किया गया, और खुद राजधानी देहरादून के SSP दिलीप सिंह रावत ने कहा है कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करके इन पर कार्रवाई भी की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है, और ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती और खुद देहरादून पुलिस भी नहीं चाहती है कि ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने दिया जाना चाहिए। और यही वजह है कि आज लगातार कई ऐसे क्षेत्रों पर पुलिस चेकिंग के दौरान कई ऐसे वाहन पाए गए जिन पर फर्जी तरीके से स्टिकर लगाए गए थे, चाहे वो प्रेस के स्टिकर लगाए गए हों, पुलिस के स्टिकर लगाए गए हों, वकीलों के स्टिकर लगाए गए हों, या फिर खुद उत्तराखंड सरकार के स्टिकर लगाए गए। ऐसे वाहनों को सीज भी किया जा रहा है, और खुद दून पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हीकरण कर रही है जो इस तरीके के स्टिकर लगा कर शहरों में घूमते हैं। जी बिल्कुल सुभाष, जिस तरह से सड़कों पर दिखाई देता है कि फर्जी स्टिकर या हुटर लगाकर दबंगई करने के भी मामले लगातार सामने आते हैं, तो इसको लेकर क्या पुलिस अब सख्त हो गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, खुद राजधानी देहरादून के SSP दिलीप सिंह रावत ने आदेश सभी थानों और चौकियों को दिए हैं कि वो चेकिंग के दौरान मॉनिटरिंग करें, ऐसे वाहनों को देखें जिन पर इस तरीके के स्टिकर लगाए जाते हैं, जो फर्जी तरीके के स्टिकर पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, और यदि बार बार वो इस तरीके की घटना करते हैं तो इन गाड़ियों को सीज कर दिया जाए, यानी कि कोई भी ऐसी घटना इन लोगों के द्वारा ना हो सके जिससे कि वातावरण प्रदेश का खराब हो और राजधानी देहरादून का खराब हो। इसीलिए अब चेकिंग अभियान बहुत तेजी से सभी थाने चौकियों में किए जा रहे हैं, और खासतौर से शुरुआत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हो चुकी है। जी जी सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जा रही हैं और हरिद्वार में ही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन और जिला बता दें आपको शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी और केंद्र व्यवस्थापक समेत परीक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी सदस्य मौजूद रहे और इस दौरान ही बैठक में अधिकारियों ने नकल विहीन परीक्षा कराने और इसके साथ ही परीक्षा में सभी नियमों का पालन करने और दिव्यांग परीक्षार्थी को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तरकाशी हर्षिल घाटी में कुछ ही समय बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन होने वाला है और जिससे कि हर्षिल हेलीपैड में तमाम विभाग जो है और प्रशासन मौजूद रहेगा। तो बता दें आपको उत्तरकाशी से खबर है जहां पर तमाम विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी में हर्षिल घाटी के ही कुछ समय बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन होने वाला है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अड़ीगढ़ के ही थाना बरला इलाके में एक गांव में ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक पति ने ही पत्नी से हुई मामूली कहासुनी के चलते अपनी पत्नी की बाथरूम में नहाने के लिए जाते वक्त ही धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। जहां पारिवारिक विवाद में पति द्वारा बाथरूम में नहाने जा रही पत्नी के धारदार हथियार से काटकर हत्या किए जाने की खबर जंगल की तरह ही बता दें आपको कि जंगल में आग की तरह फैल गई है और इसको कर अब बता दें कि प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है और ग्रामीणों का जमावड़ा निवस्त्र हालत में ही बाथरूम में पड़ी महिला की लाश को देखने के लिए मौके पर लग गया, जिसके बाद ही ग्रामीण ने एक पति द्वारा अपनी पत्नी के धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी है और सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ इलाके में ही थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हत्यारे पति को फरार होने से पहले ही हिरासत में ले लिया है। दिनांक 13/3/23 को थाना बरला से सूचना प्राप्त हुई कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर यह पता चला कि दोनों के बीच पहले से ही पारिवारिक विवाद रहता था। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। मौके से आला कत्ल बरामद किया गया है। पति की अरेस्टिंग हो गई है। तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना प्रस्तुत है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के ही उरेर मऊ से खबर सामने आई है जहां पर उरेर मऊ के ही लेखपाल पर पीड़ित ने ही गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल आरोप है कि पुस्तैनी जमीन को बंजर जमीन बताकर खुद खड़े होकर ही दलित के छप्पर में आग लगाई गई है। लेखपाल के द्वारा छप्पर में आग लगवाकर भागने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ही पीड़ित परिजनों ने SDM मुसाफिर खाना से मामले की शिकायत की है। बांदा से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक दोनों हाथ छोड़कर बाइक चलाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये रोड पर स्टंट करता हुआ युवक बबेरू से बांदा जा रहा था। हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के ही मोहल्ला आर्य नगर में उस समय सनसनी मच गई जब एक घर में ही लटकती लाश देखकर क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय निरंजन निवासी महाराष्ट्र पिछले कई महीनों से एक हापुड़ के ही आर्य नगर में अपने मामा के यहाँ पर रह रहा था। मंगलवार की सुबह निरंजन का शव जाल से लटका मिला और गली में ही छज्जे से शव लटका देख लोगों के होश उड़ गए, जिन्होंने पुलिस को मामले से अवगत कराया और सूचना पाकर हापुड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के ही जोधाखेड़ा मजरा कोरारी गांव में प्राचीन मंदिर से ही अष्ट धातु से निर्मित मूर्तियां चोरी की गई है और चोरों ने ही राधा कृष्ण 30 किलो वजन की मूर्ति चोरी कर ली है और प्राचीन मूर्तियों की चोरी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ ही प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
बलरामपुर के जिला महिला अस्पताल से मामला सामने आया है, जहां पर जिला महिला अस्पताल में तीमारदार से ही बीती रात खूब बवाल काटा है और गर्भवती और नवजात की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। बताते चले कि परिजनों का आरोप है कि महिला अस्पताल में बिना पैसा दिए इलाज नहीं होता है। महिला अस्पताल में मरीजों से डॉक्टर और स्टाफ सुविधा देने के नाम पर शुल्क लेता है और वहीं अगर पैसा ना दिया जाए तो मरीज और परिजनों को डॉक्टर और स्टाफ द्वारा डराया और धमकाया भी जाता है। आजाद भारत में ही बहुत सारे ऐसे गांव थे जो पिछले सरकारों में भी बिना बिजली के अंधेरे में डूबे रहे थे। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के ही बुलंदखंड के झांसी के गांव मणिकपुरा से सामने आया था, जो आजादी के समय से बिजली के लिए तरस रहा था और गांव में पीने का पानी कोई जरिया नहीं दिखाई दे रहा था। गाँव वालों को पास से ही निकली बेतवा नदी का ही पानी पीना पड़ता था। गाँव की सड़कों का बुरा हाल था और बीमार पड़ने पर गाँव में सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं थी। बताते चलिए आपको कि जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनकी परेशानी खत्म होती दिख रही है। एक साल से आ रही। कब से आ रही? एक साल से लाइट आ रही। पहले नहीं आती थी, अब आ रही। पहले कब से लाइट नहीं आती थी यहाँ पर? जन्म से, जब से हम यहाँ आए, शादी हुई है तब से हमने यहाँ लाइट नहीं दी। अब आ रही लाइट? बढ़िया आ रही है, लाइट बढ़िया। ठीक है। हमने ये एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में यूपी नेडा के थ्रू 2018 दिसंबर में इसको हमारा पीपीए हुआ है यूपीपीसीएल के साथ 25 इयर्स के लिए। सोलर प्लांट हम यहाँ से सोलर एनर्जी जनरेट करके गवर्नमेंट को देंगे, उसमें हमारा पीपीए हुआ है गवर्नमेंट के साथ 25 साल के लिए। और ये यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर बाईफेशियल मॉड्यूल्स विद सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स के साथ लगा हुआ है, जो सन को ट्रैक करता है और एनर्जी जनरेट करता है। कितने बड़े एरिया में ये लगा हुआ है और कितनी बिजली? अभी इस प्लांट का कमीशन्ड कैपेसिटी 20 मेगावाट है और यहाँ पर ये टोटल अभी 138 एकर्स में लगा हुआ है। तो झांसी के गांव मणिकपुरम से खबर सामने आपको बता रहे हैं, जहां पर लोग काफ़ी समय से परेशान थे। बिजली, सड़कों और एम्बुलेंस की सहायता जो है उन्हें नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद अब लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि काफ़ी लंबे समय से इस गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन अब बिजली मिलने के बाद लोग जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं और लगातार योगी सरकार की तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, झांसी से खबर है, जहां पर गांव में बिजली ना होने के कारण लोग परेशान थे। और ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड के झांसी के ही गांव मणिकपुरा का भी सामने आया था, जो आज़ादी के समय से ही बिजली के लिए तरस रहा था। गांव में पीने के पानी का कोई जरिया नहीं था। गांव वालों को पास से ही निकली बेतवा नदी का पानी पीना पड़ता था और गांव की सड़कों का बुरा हाल दिखाई देता था साफ तौर पर। बीमार पड़ने पर भी अगर गांव का कोई वासी बीमार हो जाए तो उसे सरकारी अस्पताल जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से कई जानें भी जा चुकी थी, लेकिन अब सारी मुसीबतें जो है वो लोगों की खत्म होती दिखाई दे रही। तो आपको बता दें कि गांव मणिकपुरा से खबर सामने आई है, जहां पर लोगों में अब खुशी की लहर दिखाई दे रही है। बता दें कि लंबे समय से लोग परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानी का जो जरिया था वो खत्म होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज़ादी के समय से ही बिजली के लिए तरस रहा था और गाँव में पीने के पानी का कोई जरिया नहीं था, लेकिन अब उन्हें सड़कें भी मिल रही हैं और इसके साथ ही बिजली भी उनके घर तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बच्चे भी परेशान हुआ करते थे, अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल जाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता था, लेकिन अब सारी समस्याएं खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके साथ ही लोग योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुल्तान आबदे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुल्तान, जिस तरह से मामला सामने आया था कि गरीबों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आज़ाद भारत में ही बहुत सारे ऐसे गांव थे जो पिछली सरकारों में भी बिना बिजली के अंधेरे में डूबे हुए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड के झांसी के ही गाँव मणिकपुरा का जो मामला सामने आया था, वहाँ पर आज़ादी के समय से बिजली नहीं थी, लेकिन अब लोगों को बिजली मिल रही है, जिससे लोग खुश भी नजर आ रहे हैं।
जी मैं आपको बता दूं, ये घरौटा विधानसभा का मामला है जहां पर बिजली बिल्कुल नहीं थी। आजादी के समय से लेकर अब तक बिजली वहां नहीं थी। ये सोलर प्लांट की स्टार्टिंग 2013 में की गई, उसके बाद वहां के लोगों को बिजली मिली, जिससे वहां के ग्रामीणों में बहुत उत्साह और बहुत खुशी का माहौल है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बहुत अच्छा काम है, विशेषकर बुंदेलखंड के लिए। जी जिस तरह से ये भी सामने आया है कि बताया जा रहा है कि गांव मणिकपुरा में ही बिजली नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, मतलब वो अपने घर में से अस्पताल अगर उन्हें जाना होता था तो वो सोचते थे, और सड़कें भी नहीं थी, लेकिन ये सारी जो समस्याएं हैं उसका निपटारा हो चुका है। और इसके साथ ही लोग अब किस तरह से योगी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। वहाँ की जनता बहुत खुश है, योगी सरकार को साधुवाद दे रही है, बार बार योगी जी की तारीफ कर रही है और कह रही है कि एक लंबे समय के बाद हमारी इतनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। पिछली सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जब जाके ये आवाज उठाई गई तब योगी सरकार में इसका कार्य किया गया। वही ये बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र को तो लाइट बिजली मिल ही रही है, इसके साथ साथ अन्य इलाकों को भी यहाँ से बिजली उपलब्ध होगी। जी सुल्तान, ये लोग कब से परेशान थे, इनके गांव में कब से बिजली नहीं थी और ये कहां तक गुहार लगा चुके थे जो अभी तक इनको बिजली नहीं मिली थी, लेकिन अब लोग खुश नजर आ रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से यहां बिजली की एक सबसे बड़ी समस्या थी, सड़कें खराब थी, स्कूल नहीं थे, पानी नहीं था, इन लोगों ने सभी जगह गुहार लगाई। शुरू से लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा, सभी से कहा, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद अब जाके इनकी आज जागी, 2013 से ये प्लांट लगा हुआ है जो बहुत बड़े पैमाने पर वासी भूमि में फैला हुआ है, यूपी नेडा के अंतर्गत इसको लगाया गया है। अब जाके इनकी उम्मीदें जागी, इनकी शिक्षा होगी, इनको पीने का पानी मिलेगा, सही सड़कें मिलेगी, सड़कों के सही होने से लोगों की जानें भी बचेंगी, जिसके कारण एम्बुलेंस वगैरह नहीं निकल पाती थी। जी सुल्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो बुलंदखंड के झांसी के गांव माणिकपुरा से खबर सामने आई, जहां पर अब लोगों में बिजली आने के बाद खुशी की लहर दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही अब जो जनता है, गरीब जनता, वो लगातार योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली अज्ञात कारणों से संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगाने का मामला सामने आया है, और फांसी लगाने का ये जो मामला है, बता दें आपको कि सामने आया है, और फांसी अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत का भी ये मामला सामने आया है परिजनों में, जिसके बाद कोहराम मच गया है। और इसके साथ ही एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ की रहने वाली पूनम पत्नी वीरेंद्र उम्र, जिसकी 25 साल बताई जा रही है, अज्ञात कारणों से ही घर के अंदर दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली है। और जैसे ये जानकारी उसके पति को हुई, आनंद फानन में परिजन अस्पताल लेकर महिला को पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले विवाहिता महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक महिला ने 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था, और महिला के एक 5 साल का बेटा है और 1 साल की बेटी भी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। ये पूनम नाम की महिला हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 26 वर्ष है। परिजनों द्वारा यहाँ पर मृत अवस्था में लाई गई, जिसके दरमियान उनकी बॉडी को मर्चरी में रखा गया तथा पुलिस को सूचना भेज दी गई है। दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर देर रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब एक ट्रैक्टर खराब होने के बाद सड़क किनारे खड़ा था। तभी खराब ट्रैक्टर के पीछे खड़ी एक रोडवेज बस ने ही तेज रफ्तार के साथ आ रहे ट्रक ने पीछे से ही जोरदार टक्कर मार दी। यात्रियों में खचाखच भरी रोडवेज बस ट्रक के पीछे से ही जोरदार टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, और जबकि रोडवेज बस में ही सवार एक दर्जन से करीब मासूम बच्चों सहित बस में सवार यात्री खून से लथपथ होते हुए घायल हो गए, जिसमें 7 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और रोडवेज बस और ट्रक के बीच हुए एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रोडवेज बस में फंसे यात्रियों को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने ही आनंद फानन में मासूम बच्चों समेत सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के जरिए मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।